अरे सुमित भैया जल्दी करो यार, तुमने 11 बजे का बोला था, पहली 2 घंटा लेट करवा दिया, 1 बज गए हैं। अबे ऐसा क्या पूरे दिन झूलेगा? हाँ सुमित भैया, आज संडे में पूरे दिन झूलने वाला था पर तुमने आधा दिन निकाल दिया, सोते ही रहते हो पूरी रात। अबे रात में तो सोते हैं, अरे मतलब सुबह तक सोए ना तुम। अबे ठीक है ठीक है। ओए एक सेकंड, ओ यार सिंचन इसके पास ये बाइक देख रहा है, क्या धमाकेदार बाइक है यार, ये सुजुकी की यार क्या सुपर बाइक है। सही सुमित भैया, सही मस्त अपनी वाली से तो कितनी ज्यादा। हाँ यार सिंचन बहुत मस्त अपनी वाली से। अरे यार तुम्हें क्या ये बाइक चाहिए क्या? हाँ चाहिए भाई, प्लीज देना मेरे को, एक बार दे दे यार। अरे यार तुम इसे जीत सकते हो, तुम्हें पता हो तो। कैसे जीत सकता हूँ इस बाइक को, बता बता यार। देख तुझे एक चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, अगर तू जीता तो मैं तुझे अपनी बाइक दे दूंगा, अगर तू हारा तो तुझे अपनी बाइक मुझे देनी पड़ेगी। क्या बात कर रहा है, ओके ओके मैं रेडी हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं तो जरूर जीत जाऊंगा, मैं तो हर चैलेंज जीत लेता हूँ भाई साहब। सुमित भैया अपनी बाइक और चली जाएगी, हार गए तो। अबे सिंचन जीत गया तो ये सुपर बाइक मिलेगी, वो चीज तो देख। हाँ तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है, ये असल में मेरे मौसी का लड़का है, तुम्हें इसके साथ रेस लगानी पड़ेगी। अरे बिल्कुल लगा लूंगा, बाइक से रेस लगानी है क्या? नहीं नहीं असल में तुम्हें इसके साथ पैदल रेस लगानी है। अच्छा ओके भाई सब, क्या करना है हम दोनों को? तुम दोनों को रेस लगानी है, मैं वहां साइड में जाके खड़ा हो जाता हूँ सामने, और तुम में से जो मेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा ये वाली बाइक, और जो हारेगा उसको अपनी बाइक देनी पड़ेगी। ओके ओके ठीक है आई एम रेडी, चलो आ जाओ जल्दी सी, मैं जाके खड़ा होता हूँ। अरे सुमित भाई इसको हरा देना, लेके सिला जीत का नाम। अबे भाई साहब सिंचन तेरा भाई ऐसे नहीं हारने वाला। हाँ सुमित भैया नहीं हारने वाले आप। ओके चल भाई स्टार्ट कर रेस। हाँ सुमित भैया जाओ। अबे वो तो भाग गया मुझसे पहले, अबे चीटिंग कर रहा है इसकी ऐसी तैसी, अभी बताता हूँ तेरे को कहाँ जा रहा है, रुक जा तुझसे तेज मैं भागूंगा। ओके तो गाइस यार, अबे क्या यार कितने धीरे भाग रहा है यार ये तेरा मौसी का लड़का। चलो गाइस यार मैंने इसको हरा, और यहाँ पर तुम्हारा भाई जीत गया। अरे यार तुम तो जीत गए, तुमने तो मेरे मौसी के लड़के को हरा दिया बड़ी इजीली। अरे भाई साहब मैंने क्या बोला था, मैं कोई चैलेंज नहीं हारता। अरे यार मेरे मौसी के लड़के यार, तू तो बोला था तू तो बहुत तेज भागता है। अबे मैं क्या करूं, मुझसे तेज भागता है तो। अबे यार तू भी यार कैसा आदमी है, तूने मेरी बाइक हरवा दी यार। अरे ठीक है ठीक है। अरे ठीक है यार, जो तुम्हें मिलती है सुजुकी की वो वाली बाइक, खतरनाक वाली। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तुम्हारे भाई को सुपर बाइक मिल चुकी है, और हाँ अगर तुम्हें और कुछ नई बाइक जीतनी है तो तुम अगले चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। हैं अगला चैलेंज, वो कौन सा चैलेंज होने वाला है? एयरपोर्ट पे आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा अगले चैलेंज के बारे में। ओके ठीक है भाई सब ठीक है, अब हटेगा आगे से मुझे चला के देखने थे मेरी नई सुपर बाइक। आओगे ना तुम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने? हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, मुझे तो और सुपर बाइक चाहिए। हाँ अगली सुपर बाइक इस वाली सुपर बाइक से भी ज्यादा खतरनाक होगी। ओके ओके ठीक है ये भाई साहब क्या पावर है इस बाइक के अंदर, अब बस मैं निकलने को हो रहा हूँ, बस भागने दो मेरे को इसको लेके। सुमित भैया मुझे तो बैठा लो, मैं सिंचन बाद में आता हूँ तुझे बैठाने के लिए। अरे ठीक है सुमित भैया, मैं जब तक यहाँ पर झूल लेता हूँ तुम जब तक घुमा लाओ। ओके तो चलो गाइस यार सिंचन जब तक झूलता है यहाँ पर तुम्हारा भाई इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ले रहा है। और अब भाई साहब क्या बाइक है सैमी, ओए बच गया भी ठुक जाता। अबे तू धीरे क्यों नहीं चला रहा, बाइक इतनी तेज चला रहा है। अरे सर असल में मैंने ये नई नई बाइक जीती है। अबे कैसे जीती तूने ये इतनी मस्त खतरनाक वाली सुपर बाइक? ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे जीती है, पर मैंने फ्री ऑफ द कॉस्ट जीती है। अबे यार क्या बाइक है यार तेरी, कितनी भागती है ये? पहले गियर के अंदर 140 जाती है। अबे यार सही में बहुत महंगी बाइक है ये तो फिर तो। अरे सर बहुत ही ज्यादा महंगी बाइक है, और मैं यहाँ से चला, हो सके तो पकड़ लेना मेरे को। चलो गाइस फिलहाल तुम्हारा भाई बस पहुंचने वाला है एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पर होने वाला है एक और खतरनाक चैलेंज जिसके अंदर मुझे एक और बाइक मिलेगी। भाई ये क्या किया मैंने, पता नहीं यार ये कैसे बाइक उछली, पर क्या कमाल की चीज थी यार, बाइक कैसे जंप हुई भाई, मजा आ गया सही में जंप करके। ओके चलो गाइस यार यहीं कहीं पर ही बुलाया था उस बंदे ने मेरे को, बस मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर कहाँ पर है। ओ ये ओ बेटे क्या खतरनाक तरीके से तुम्हारा भाई पीछे से बाइक उठाता है। ओके ले भाई सब मैं आ गया। अरे आओ आओ आओ, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम सुमित है। वाओ अबे ये तो R1 है यामा की। अरे हाँ ये यामा की R1 ही है। ओ गाइस यार सुजुकी से भी ज्यादा मस्त बाइक ये वाली है। हाँ अगर तुम्हें ये बाइक चाहिए तो तुम्हें एक और चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। हाँ बता बता जल्दी बता अगला क्या चैलेंज होने वाला है, मैं हर चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। ये इससे मिल, ये असल में मेरे बुआ जी का लड़का है। और मित्र क्या हाल है? अरे मैं बढ़िया मैं बढ़िया। हाँ तो बता करना क्या है चैलेंज के अंदर? अरे ये मेरे बुआ जी का लड़का है, ये सेमी बहुत ही खतरनाक तरीके से वीली मारता है, अगर तुमने इससे लंबी वीली मार दी तो मैं तुम्हें ये R1 दे दूंगा, अगर तुम हारे तो तुम्हें ये सुजुकी प्लस तुम्हारी वाली बाइक मुझे देनी पड़ेगी। हाँ ठीक है और मैं हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, भूल जा तू। हाँ वो तो टाइम बताएगा, मेरी बुआ जी के लड़के को आज तक कोई नहीं हरा पाया वीली के अंदर। हाँ वो तो हम लोग देखेंगे ना कौन किसको हराने वाला है।
तो सभी लोग तैयार है? दो ही लोग तो हम लोग यहाँ पर। अरे मतलब हमारे व्यूअर्स तैयार है क्या? हाँ तो गाइस आप लोग तैयार हो ना? तैयार हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो रेडी। तू बस देखता जा मैं क्या विली मारने वाला हूँ। चल मेरी बुआ जी के लड़के दिखा दे इसको कि तू कैसे विली मारता है खतरनाक तरीके से। अरे तू टेंशन ना ले, मोटरसाइकिल ना आगे तो उड़ा दूंगा मैं। हाँ दिखा तो कितनी विली मारने वाला है। ओके तो गाइस यार सबसे पहले इसके बुआ जी के लड़के की बारी है, देखते हैं गाइस यार ये कैसी विली मारने वाला है। पर तुम्हारे भाई को इससे ज्यादा विली मारनी है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर इसने विली मारनी शुरू करी। ओके भाई ये जाया जा रहा है। अबे यार सही में काफी ज्यादा लंबी मार रहा है, कब इसका टायर टच होगा देखते रहो। बस टायर टच होते इसका खेप खत्म हो गया, टायर टच हो गया। ये जैसे कट आया था ना यहाँ पर, ये मोड़ आया था यहाँ पर, इसका भाई साहब टायर टच हो गया। ओए ये ले देख तो मुंडा, अभी तो और खतरनाक तरीके से मारूंगा बिल्ली। अबे भाई साहब यार कुछ भी बोलो, इसके भाजी के लड़के को आती काफी अच्छी बाइक चलानी है, पर तुम्हारे भाई की लेवल की नहीं चलानी आती, तुम्हारे भाई को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बाइक चलानी आती है। वो तो टाइम बताएगा किसको कितनी आवे है। हाँ हाँ ठीक है चल दिखा फिर से कितनी विली मार सकता है। ओके तो गाइस यार यहाँ उठाई इसने फिर से बाइक आगे से, देखते हैं कितनी मारेगा। ओके बस ये टच होने वाली है, हुई हुई हो, ये हो गई टच। ओके तो गाइस यार ये मतलब ये समझो जो आधा है ना, आधे के आधे ट्रैक जितनी विली मार पा रहा है, और मुझे इससे ज्यादा मारनी है ठीक है। ओके तो गाइस यार आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो विली अप, हमें इससे ज्यादा विली मारनी है, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा विली अप, जिससे हम लोग इससे ज्यादा लंबी विली मारे। पूरा तू मैंने नहीं हरा सकता। हाँ तू मेरे बुआ जी के छोरे को नहीं हरा सकता, ये बहुत ही खतरनाक विली मारता है। पूरा बिल्कुल साफ बात है, नहीं हरा सकता तू मेरे को। ओके तो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी है, और इसको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिख दो विली अप, और वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई सब इसकी भुआजी के लड़के को जो मैं गंदे तरीके से हराने वाला हूँ, वो चीज भी तुम लोग बस देखते जाना ठीक है। रेडी? हाँ जा जा दिखा कितना दम है तेरे अंदर। ओके तो गाइस यार मेरी बाइक इससे थोड़ी सी कमजोर है, पर ज्यादा कमजोर नहीं है, तो गाइस यार हम इससे अच्छी विली मारने वाले हैं। ओके तो भाई साहब अभी हम पहले टायर गरमा लेते हैं, ये ठाई बाइक आगे से, ओ शिट गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये ले भाई साहब आप तो बस मेरी विली देख। ओके भाई साहब ठाया जा रहे बिल्कुल परफेक्टली। नहीं 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 नीचे नहीं बैठनी चाहिए। ओ भाई इतने ओ भाई साहब मैंने इससे तो बहुत ही ज्यादा लंबी विली मारी है। उसका तो यार जो पहला कट आया था ना वही पर नीचे टायर टिक गया था, पर मैंने तो दो कट फालतू मारी है। रुको अब यहां से फिर से विली मारनी शुरू करता हूं, अब देखना और भी ज्यादा लंबी मारूंगा मैं, और इसको बहुत गंदे तरीके से हराऊंगा तुम्हारा भाई, देख लेना। ये उठाई आगे से, और ये ले भाई साहब देखो उठाए दे, बिल्कुल उठाई जा रही है। नहीं नहीं नीचे नहीं मिटने देनी, लास्ट तक चलाऊंगा इस बार तो विली विली करके। ये अभी उठ रही है, उससे ज्यादा मैं आधे से ज्यादा ट्रैक पर विली मार रहा हूं, और उसने सिर्फ आधे के भी आधे ट्रैक पर विली मारी, मतलब तुम्हारा भाई जीत चुका है। ये अरे यार ये कैसे हो सकता है, मेरी भाजी के लड़के ये तुझे हरा कैसे पाया? मुझे क्या पता, मेरे से तगड़ी विली तो कोई ना मार सके। अबे क्या हुआ, अब हार गया तू भाई साहब, हम लोग जीत गए। अबे यार ये क्या, ये तो फिर से जीत गया, इसका मतलब ये मेरी R1 लेके जाएगा। हाँ सिंपल सी बात है, मैं तेरी R1 लेने वाला हूँ अब। अबे यार तुझे पता है कितनी महंगी बाइक है R1? मुझे पता बहुत महंगी बाइक है सही में। तो यार क्या बोलूँ अब मैं, कुछ नहीं बोलना तेरे को सिर्फ मेरे को अपनी R1 देनी है, और उसको फिर मैं भगाऊंगा फुल स्पीड में। अरे मैं कैसे हार सकता हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे तुम लोग अपनी एस्तेजी कराओ, मैं तो चल अपनी नई बाइक लेके। अबे एक और चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना है क्या तुम्हें? अगला चैलेंज क्या होने वाला है? अगले चैलेंज में इससे खतरनाक बाइक मिलेगी। ओके ठीक है चलो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई चला रहा है। ये देखो भाई अगर ये बाइक मेरे पास होती तो मैं कितनी लंबी विली मारने वाला था। देखो भाई साहब इससे तो और भी ज्यादा लंबी विली मार पा रहा है तुम्हारा भाई। क्या बाइक है यार समी, तुम्हें पता है इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब समी बहुत ही लाजवाब बाइक है यार। तुम लोग भी अगर सुपर बाइक्स के फैन हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सुपर बाइक ओपी। अगर यार तुम लोग कार्स के फैन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कार्स ओपी। हाँ और ये बताना जरूर कि तुम्हारे पास कौन सी बाइक है, तुम्हारे पापा के पास कौन सी बाइक है, स्प्लेंडर अपाची पल्सर या कौन सी, जो भी हो बताना जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो तुम्हारा स्वागत है एक और खतरनाक चैलेंज के अंदर सुमित। ओके इस बार कौन सी बाइक मिलने वाली है? इस बार तुम्हें ये होवरबोर्ड वाली बाइक मिलने वाली है। इसका मतलब ये बाइक हवा में उड़ती है। ओ भाई काफी खतरनाक। हाँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर तुम्हें करना क्या है। यहाँ पर हम लोग खेलने वाले हैं बॉलिंग बॉल। अच्छा बॉलिंग बॉल तो मैं बहुत तगड़ी खेलता हूँ, पर इसमें थोड़ा चांस ये है कि बॉलिंग बॉल बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारे पास एक फुटबॉल होने वाली है, उसको हवा में उठाना है और वहाँ सामने फेंक के मारना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है करके दिखा कैसे होने वाला है ये। अब 1 2 3 थ्रो। ओके तो गाइस यार यहाँ पर इसने फेंकी है बॉल, देखते हैं कितनी बॉली बॉल होने वाली है। ओके तो गाइस यार ये क्या, अबे तो तेरी बॉल तो इतनी ज्यादा स्लो हो गई, मेरे को नहीं लगता
सकते एक को भी गिरा पाएगी। ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं टच तो ये पर नहीं यार, एक भी नहीं गिरी यार, सारी सारी स्टिक सीधी खड़ी है बिल्कुल। ओके तो यार अब तुम्हारे भाई की बारी है, तो चलो इसको सबसे पहले ऊपर उठाना है बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट, और 1 2 3 थ्रो। ओके भाई साहब मैंने इस बार काफी अच्छे तरीके से फेंकी है। ओके देखते यार हम लोग कितनी स्टिक्स गिराने वाले हैं यहाँ पर। ओके जा मेरी धन्नो बस। अब यार मेरी भी काफी ज्यादा स्लो हो गई, पर यार एक तो गिरनी चाहिए कम से कम। नहीं यार नहीं, क्या होगा पता नहीं क्या होने वाला है। और ये टकराई, और ये देखो हमने एक गिरा दी। मतलब यार पहले चैलेंज का विनर है तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई ने एक गिराई है और उसने एक भी नहीं गिराई थी। हाँ हाँ टेंशन मतलब अभी हमारे पास दो दो चांसेस और है। ओके ओके ठीक है देख रहा हूँ मैं भी। ओके तो गाइस यार इसका एक भी नहीं गिरना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो लूज, जिससे इसकी एक भी स्टिक ना गिरे। ओके तो भाई साहब इसने काफी तेज फेंकी है। ओ भाई साहब ये जाए जा रही है, बोल देखते कितनी गिरा पाएगा। ये जा रही है जा रही है, टप्पा खाते हुए टपाक टपाक, और ये टपाक, और ये भाई सब यहाँ पर एक भी नहीं गिरी, फिर से एक भी नहीं गिरा पाया यार ये तो फिर से। अबे भाई ये तो बहुत बेकार है बॉलिंग बॉल के अंदर। अब मेरी टर्न है। अबे यार ये क्या चल रहा है आज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो हमेशा सारी गिरा देता हूँ, आज तो एक भी नहीं गिर रही है। अब यार रुक जा मेरी बारी है। ओके तो गाइस यार ये उठाई हमने हवा के अंदर, और ये जा रही है हमारी बॉल टप्पा खाते हुए, देखते कि हम लोग कितनी गिराने वाले हैं इस बार। भाई इस बार ये ज्यादा स्लो हो गई है मेरे हिसाब से मेरी बॉल। प्लीज 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 पहुंच जा पहुंच जा। ओ ये क्या, ओ भाई साहब ओ मैंने तो सारी गिरा दी यार। ओहो ओ बेटे सारी गिर गई ए टू जेड। अब मेरी बारी और मेरे पास ये लास्ट चांस है, मुझे इस बार सारी की सारी गिरानी होगी। ओके तो गाइस ये फेंकी बॉल और ये टकरा गई है जाकर, और देखते गाइस यार ये कितनी गिराने वाला है। ओ भाई साहब यहाँ पर इसने तो सारी गिरा दी मेरे हिसाब से। ए नहीं 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 एक ना कहीं नहीं, भाई साहब इसने तो स्ट्राइक मार दी यार, सारी की सारी गिरा दी, पर तुम्हारे भाई ने भी गिराई थी। ओके अब मेरी बारी है, जाओ दिखाओ तुम, अगर ये सारी नहीं गिरा पाए तो तुम हार जाओगे, और मैं यही चाहूंगा कि तुम्हारी मिस हो जाए। ओके ठीक है तो चलो गाइस अब तुम्हारे भाई की बारी है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो स्ट्राइक, जिससे तुम्हारा भाई भी स्ट्राइक करे। ओके ये गई बॉल सीधा टकराई है भाई जाकर। ओके कितने कितने वाली है, यार शिट यार मेरे हिसाब से सारी नहीं गिरेगी मेरे में, 3 रह गई, पर कोई बात नहीं यार हमने एक बार स्ट्राइक की है और एक बार इतनी सारी गिरी, और शुरुआत में एक गिरी थी और इसके 2 चांसेस मिस हुए थे, और तुम्हारे भाई ने 3 चांसेस में एक ना एक गिराई है, तो मतलब विनर मैं हूँ। अरे यार ये कैसे, मैं मेरे ही चैलेंजेस में कैसे हार रहा हूँ। भाई सिंपल सी बात, मैं हूँ सुपर लकी, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे दोस्तों की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। गाइस यार ये आप लोगों को अंडरएस्टिमेट कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार सुपर लकी, जिससे हम लोग फिर से जीतेंगे। अबे ओए रुक तो कहां जा रहा है, अब क्या हो गया, एक चैलेंज और बच रहा है, अगर तू उसमें जीतता है तो मैं तेरे को एक और सुपर बाइक दूंगा, अगर तू हारा तो तुझे अपनी सारी सुपर बाइक मुझे देनी पड़ेगी। ओके ठीक है लोकेशन भेज दियो, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर भी, अब मेरे को सिर्फ अपनी बाइक चलाने दे। तो गाइस यार हमने एक सुजुकी जिक्सर जीत लिए 1000 सीसी वाली, भाई वो भी बहुत महंगी बाइक है। उसके बाद तुम्हारे भाई ने एक R1 जीती है, यामा R1, और उसके बाद ये तुम्हारे भाई ने तीसरे नंबर पे बाइक जीती है होवरबोर्ड वाली। भाई सब कितने की होगी यार, कम से कम 10-12 करोड़ की तो होगी ये बाइक आराम से, क्योंकि यार ये प्लेन है चलता फिरता यार, कैसे चल रही है भाई मस्त तरीके से हवा के अंदर उड़ रही है यार, मजा आ रहा है सही में इसको चलाने में तो बहुत ज्यादा। हां तो ये हमारा लास्ट चैलेंज, अगर तुम इसके अंदर जीत जाते हो ना तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ सबसे ब्रिलियंट वाली बाइक। ओके ठीक है इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर ये रैंप चैलेंज होने वाला है, अगर तू इस मुझे इस रैंप चैलेंज में हरा देता है तो तू जीत जाएगा, अगर तू नहीं हरा पाया तो मैं तेरी सारी सारी बाइक्स ले लूंगा, और यहाँ पर काफी सारी महंगी महंगी सुपर कार्स भी है, वो भी जीतने वाले को मिलेगी, मतलब मुझे। अब तू नहीं जीतने वाला ठीक है ना, वो तो टाइम बताएगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर होने वाला एक खतरनाक वाला रैंप चैलेंज, और गाइस यार यहाँ पर ही अभी पोर्श वाली गाड़ी लेके जा रहा है, ये गाड़ी समी बहुत ज्यादा कूल है ये देख। ओ भाई साहब बस ये जीतना नहीं चाहिए किसी भी हालत के अंदर। गाइस यार अगर आप लोग चाहते तुम्हारा भाई जीते तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना गाइस यार बैड लक, ठीक है, जिससे इसके ऊपर बैड लक लग जाए और ये हार जाए। जल्दी यार कमेंट बॉक्स के अंदर अभी जाके लिखो बैड लक, जिससे ये बंदा हार जाए और तुम्हारा भाई जीते। ओके तो गाइस यार अभी तो काफी सही तरीके से जाया जा रहा है, और अरे ये क्या कर रहा है तू, अबे कुछ नहीं ट्रैक का हिस्सा है ये। अबे भाई यार मेरे को तो चक्कर आ गया, ओए कितनी स्पीड से जा रहा भाई ये तो सही में। ओए गाइस यार इसकी गाड़ी का आगे का बोनट उड़ गया। अबे कुछ भी उड़े या कुछ ना उड़े जीतूंगा तो मैं ही, अबे वो तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, अबे मैं ही जीतने वाला हूँ। अबे तेरे बम्पर वम्पर सब खिंड गए तेरी गाड़ी के, कोई बात नहीं जीतने के बाद मैं और नई गाड़ियां ले लूंगा। गाइस यार ये तो जाया जा रहा है, ये तो सही में जीत जाएगा। ओ नो भाई साहब इसको हराओ ना कैसे करके कोई तो हराओ। तेरे दोस्त कुछ भी नहीं कर सकते मेरा, मैं सुपर ओपी हूँ। अच्छा तू सुमित ओपी से ज्यादा ओपी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गाइस यार बताओ कमेंट बॉक्स
इसके अंदर असली ओपी कौन है? सुमित ओपी इज दी ओनली रियल ओपी, ठीक है? इसकी ऐसी तैसी बेटे तू तो नहीं जीत पाएगा। अबे रुक तो यार, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी यहाँ पर एक खतरनाक वाली हेलीकॉप्टर लूंगा जाकर। गाइस यार यहाँ पर कितना बजट है भाई इस बंदे का, इसने इतना बड़ा रैंप चैलेंज बनाया है। ऊपर से यार हेलीकॉप्टर्स, यार ये मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर्स है यार, ये बहुत ज्यादा महंगे आते हैं भाई। इस बंदे के पास तो सेमी बहुत ज्यादा पैसा है, अगर मैंने इसको हरा दिया तो ये सारा का सारा पैसा तुम्हारे भाई का हो जाएगा। ये सारा का सारा पैसा मैंने तेरे जैसे चूजों को हरा के जीता है, मतलब मैंने तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को अपने चैलेंज में बुलाया और वो सभी सभी हार गए मुझसे, और मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है और मैं तेरी भी हड़पने वाला हूँ। अच्छा, जब भी तेरे पास इतना पैसा है, मैं जब भी तो सोचू यार किसी आदमी के पास इतना सारा पैसा कैसे आया। गाइस यार मैं बताता हूँ, ये असल में बाकी लोगों के साथ भी सेम चैलेंजेस करता होगा जैसे मैं करता हूँ, पर गाइस यार बाकी लोगों को वो चैलेंज इतने अच्छे तरीके से आते नहीं होंगे, जैसे मैं तो हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। इसने उन सभी लोगों को हरा दिया और उन लोगों की सारी प्रॉपर्टी इसने हड़प ली है। हाँ बिल्कुल सही समझा, और मैं अब तेरी भी हड़पने वाला हूँ। ऐसा कभी नहीं होने वाला, तेरे सपनों में भी नहीं होने वाला ये, तो ठीक है ना? अबे वो तो टाइम बताएगा। गाइस यार इस जैसी हरामी को तो हराना बहुत ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि ये मासूम लोगों का पैसा खाता है, और जिसका पैसा मैं खाने वाला हूँ सारा का सारा। मैं किसी का पैसा नहीं खाता, मैं लोगों को उनकी मर्जी से हराता हूँ चैलेंज में बुला के। पर ये गलत बात है, तू तो एक्सपर्ट है इन चैलेंजेस के अंदर। हाँ पर तुम भी तो हो। अबे वो अलग बात है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, जन्मजात पैदा ही एक्सपर्ट हुआ हूँ। कोई बात नहीं, आज तुम हारोगे। ओके भाई यार ये जीतता ही जा रहा है, कितना लंबा है ये सेमी ट्रैक? मैंने बहुत लंबा ट्रैक बनाया है, क्योंकि मेरे को हर एक तरीके का व्हीकल उड़ाना आता है। कुछ लोगों को जेट प्लेन उड़ाना नहीं आता और कुछ लोगों को कुछ उड़ाना नहीं आता। और तेरी बैंड बज गई भूतनी के, चल यहां से। अबे ये क्या यार, मैं हार कैसे सकता हूँ, मेरी बैंड बज गई। गाइस यार यहाँ पर उसकी बैंड बज चुकी है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा बोल रहा था यार, बहुत ज्यादा बड़ बोला है यार, वो बोले जा रहा है। ये पीछे कौन नाच रहा है यार? मेरे हिसाब से हमारे पीछे थैनोस है यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बताओ यार कमेंट बॉक्स के अंदर, जो वो पीछे नाच रहा है वो थैनोस है या और कोई है? यार मुझे थैनोस लग रहा है सेमी वो। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई ये ला फरारी लेके जा रहा है पिंक कलर की, ठीक है? ये पिंक कलर की फरारी कौन चलाता है यार? रेड कलर की चलाओ, येलो चलाओ, इतना अच्छा अच्छा कलर है। पिंक किसका कलर फेवरेट है यार, बताना किन किन लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट है? लड़कों में तो किसी का भी नहीं होगा। चलो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई तो काफी स्पीड से जा रहा है एकदम सही तरीके से। ओ भाई साहब हमारी गाड़ी तो नहीं टूटने वाली, क्योंकि तुम्हारा भाई बिल्कुल तगड़ा प्रो प्लेयर है। यहाँ पर इसका बोनट टूट गया था उसकी गाड़ी का, ठीक है? मेरी का तो कुछ भी नहीं हुआ यार अभी तक, क्योंकि तुम्हारे भाई को गाड़ियां चलानी आती है। इज्जत से चीजों को चलाओ, इज्जत से, ठीक है? उसकी तरह थोड़ी यार चीजों को तोड़ो। अब देखो ये टायर सामने है तो मैंने गाड़ी इतनी ज्यादा स्लो कर दी तो गाड़ी को कोई स्क्रैच व्रैच ना है, ठीक है? अगर मैं उसकी तरह तेज तेज भगाऊंगा तो मेरी गाड़ी भी टूट जाएगी। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी। मेरे को ज्यादा गुस्सा नहीं करना, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था यार, उसका घमंड उसे ले बैठा कि उसे सब कुछ चलाना आता है। और देखो यार उसने अपना जेट प्लेन क्रैश कर दिया, उसकी एक पंखड़ी टूट गई, इसलिए उसका जेट प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होके साइड में नीचे क्रैश होके पानी में डूब गया। बूम बेबी, अब तुम्हारे भाई की बारी है। तो गाइस यार मैं कौन सा कलर का हेलीकॉप्टर लेके जाऊं, कितने सारे कलर है यहां पर सेमी। यार रेनबो बना रखा है इसने, इंद्रधनुष बना रखा है सारे कलर लेके। तो गाइस यार अभी यार फिलहाल तुम्हारा भाई येलो कलर वाला लेके जाने वाला है। हाँ गाइस यार, और ये और बताना आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है भाई? मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, स्काई ब्लू, सॉरी स्काई ब्लू, जैसे स्काई होता है ना ऐसे मेरा फेवरेट कलर है। तुम लोग बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? जिन जिन लोगों का स्काई ब्लू फेवरेट है वो तो जरूरी बताना यार, मैं भी चाहता हूँ मेरे दोस्तों में किस 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 का कलर मेरा फेवरेट है, ठीक है? ओके तो भाई साहब अभी मैं राम राम से जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 यार, मैंने हेलीकॉप्टर चलाए अपनी जिंदगी में काफी, पर गाइस यार ये मिलिट्री वाले नहीं चलाए यार, मिलिट्री वाले मैं कहां से लेके आता? शिट यार धुआं निकल गया, शिट 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 शिट, हेलीकॉप्टर में से धुआं निकल गया यार। आराम आराम से लेके चलता हूँ, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि यार अगर ये क्रैश हो गया ना तो भाई साहब मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ओए नहीं 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 भाई, बंद हो गया था ये, बचा बार बार, बंद हो गया था भाई हेलीकॉप्टर, भाई क्या बचाऊं बार बार, चलो 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 चलो। ओके अगर गाइस यार मैं यहां पर हार गया तो वो जीता माना जाएगा या मैं जीता माना जाऊंगा? पता नहीं, वैसे तुम्हारा भाई हारने वाला तो है नहीं बिल्कुल भी, ये तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। चलो अब जल्दी सी जेट प्लेन के अंदर बैठता हूँ, ये हम लोग बैठे जेट प्लेन के अंदर। जेट प्लेन तो मैंने चलाया हुआ है पहले, एवर ट्रेवर लेके आया था उड़ाने के लिए, मैंने काफी अच्छे तरीके से उड़ाया था, तो मैं तो क्रैश करने वाला हूँ नहीं इसको, जैसे उसने गंदे तरीके से क्रैश किया था। तुम्हारा भाई तो अच्छे से चलाएगा इस वाले जेट प्लेन को, भाई धीरे धीरे चलाना है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम आराम से उड़ाएंगे, क्रैश करना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो बिल्कुल परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से, बिल्कुल परफेक्टली। ये ओहो ओहो भाई साहब बस ये लास्ट वाला, और ये भी क्लियर कर दिया तुम्हारे भाई ने। अरे अरे अरे
रुक जा बेबी। ओ बच गया भाई, बार बार लास्ट टाइम पे कूद गया मैं, ठुक गया भाई जाके खतरनाक तरीके से। चलो गाइस यार, जेट प्लेन की तो बैंड बज गई बहुत गंदी वाली। ओके हम दूसरी साइड आ चुके हैं यहाँ पर। अबे यार यहाँ पर मेरे को चलानी है बाइक। ओके तो बाइक में तुम्हारा भाई प्रो ही है, तो तुम्हें भी पता है और मुझे पता है, काफी बाइक चलाई यार, अभी दो चैलेंजेस में हराया है बाइक के अंदर इसको। ओके भाई साहब ये कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग भाई? एक तो मेरे को ट्रैक का नहीं पता ना कुछ भी यार हाल, तो यार पता नहीं क्या होने वाला है। ओ ये ले भाई साहब कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये रेड नीला पीला हरा काला क्या क्या लगा रखा है भाई कलर से यहाँ पर इसने। अबे भाई साहब ये क्या है, इतने बड़े बड़े बर्गर्स। अबे भाई ये मैकडोनल्ड वाले इतने बड़े बड़े बर्गर कब से बनाने लग गए। चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा बर्गर वैसे खाएगा कौन, कुंभकर्ण आएगा क्या खाने इतना बड़ा बर्गर? भाई वो तो खा सकता है यार, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा यार कुंभकर्ण। चलो चलो आराम से बिल्कुल परफेक्टली। अब यार यहाँ से उड़ानी है क्या भाई, क्या धीरे लेके जानी है? अब मेरे को ट्रैक का नहीं पता यार। चलो कुछ भी हो, अब उड़ानी नहीं है यार, आराम से लेके जानी है। मैं भी फालतू में हाइपर हो रहा हूँ। ये देखो रास्ता है, अगर सोचो वहां से अगर मैं बाइक उड़ा देता तो क्या होता भाई। इसलिए जब तक तुम्हें चीजों का पता ना हो ना, सीधा एक्शन नहीं लेना चाहिए रियल लाइफ में भी। जब तक तुम पूरी कहानी ना जान लो ना, एक्शन कभी मत लेना, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन तुम्हारे लिए खराब होगा। तो पूरी बात जाने बिना कभी भी अपना एक्शन मत लेना। जैसे अगर मैं वहां से भी बाइक उड़ा देता बिना पूरी जिगा जाने, तो भाई मेरी बैंड बज जाती। ओके हाँ, ये ट्रैक कितना बच रहा भाई, कब से बाइक चला रहा हूँ मैं, पता नहीं मेरे को कब से हूँ इस ट्रैक के अंदर मैं। बस चलो चलो कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होना सुमित, धीरे 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 धीरे। गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यार आप में से काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। वीडियो देख लेते और चले जाते हो यार यहाँ से, एक सेकंड लगती है सब्सक्राइब करने में। और हाँ डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर यार फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, तुम्हारे भाई को यार बातें बातें करेंगे, यहाँ पर तुम लोग फॉलो ही नहीं करते हो, मैं बोलता नहीं हूँ तो बिल्कुल भी। चलो 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 बच गया, बार बार यार कितना ज्यादा तेज ले गया था मैं बाइक को। अबे जीतूंगा कब मैं, शायद मेरे हिसाब से वो 100 लास्ट में दिख रहा है तुम्हें, वहां पर जीतूंगा मैं, बहुत दूर है यार वो तो भी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग वहां पर भी पहुंच जाएंगे। होले होले हो जाएगा प्यार सजना, होले 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 धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से। ओए तेरी ऐसी तैसी, ओए बच गया भाई, बार बार बचाऊ नीचे चला जाता अभी। गाइस यार पसीने आ गए यार एकदम, बचाऊ बार बार। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओए भाई भाई यहाँ पर इतने सारे डायमंड्स, इतने सारी बोल्स, इतने सारे नहीं पता क्या क्या रख रखा है भाई ट्रैक के ऊपर, कौन लाते इतनी सारी चीजें? अब मेरे को जाना है नीचे। ओ भाई साहब ये पानी कहाँ से आ गया, पानी में ना जाऊंगा ना, बच गया। ओए शिट ट्रैक से बाहर नहीं हुआ हूं मैं, अभी ट्रैक पे हूं, देखो ट्रैक है तुम्हारे भाई का, अभी ठीक है बस अब मैं पैदल जाऊंगा आगे। भाई यार कितना बड़ा ट्रैक बनाया है सही में इस बंदे ने यार, मोटरसाइकिल डूब गई मेरी, कहां से स्टार्ट किया था और कहां पर पहुंच गए हम लोग। आगे क्या है भाई, दिख तो नहीं रहा, मोटरसाइकिल है क्या फिर से, पता नहीं ये क्या है सामने, कुछ तो रखा है यार ब्लू ब्लू सा। अबे ये तो जेट्स की है यार, अच्छा दो। ओए बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ तुम्हारा भाई, क्योंकि अब मेरे को फिर से पानी के अंदर ही जाना है, क्योंकि ये जेट्स की यूज करनी है मेरे को। ये हम लोग चले पानी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट, चलो अब इस जेट्स की को लेके जाना है, बाकी का ट्रैक जेट्स की से कंप्लीट करना है। अरे कहां जा रहा हूं यार, परलोक में मैं, बस थोड़ा सा और है, जीतने वाला है तुम्हारा भाई। ये फुल स्पीड से जा रहे 80 की स्पीड से, ये तू नहीं जीत सकता, मैं इस जेट्स की कोई फाड़ डालूंगा। अबे तू जाना, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं हराऊंगा तेरे को, बिल्कुल हराऊंगा। अबे तू अपने सपनों में हराइए मेरे को, और जिन जिन लोगों से तूने ये दगाबाजी की है, जिन जिन लोगों से तूने ये सारा पैसा लिया है, उन लोगों को भी तेरे को अपना पैसा वापस देना पड़ेगा। ओके तो भाई साहब वो रही फिनिश लाइन, हम लोग बस जीतने वाले हैं, जल्दी भागो, हम लोग जीत गए। अबे ये साइड में कौन था, डेडपूल था क्या मेरे साइड में, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डेडपूल था वहां पर। ओके तो गाइस यार हम लोग जीत चुके हैं, ओह माय गॉड। ओ भाई लैम्बोर्गिनी, तुम्हारे भाई को एक लैम्बोर्गिनी मिली है, कितनी खतरनाक लग रही है, और इतना सारा सोना, एक खतरनाक वाली ट्रॉफी और हीरे। अबे यार मान गया तुमको, मेरे को आज तक कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं हरा पाया है, मेरी पूरी जिंदगी हो गई लोगों को लूटते हुए, पर तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने मुझे लूटा है, मतलब मेरे को मेरे ही चैलेंजेस में हराया है, तुम्हें तो पता भी नहीं था चैलेंज कहाँ होता है और कैसे होता है। अबे जब तो तुम्हारे भाई को सुमित ओपी बोलते हैं, जब तो ओपी हूं मैं। तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं, और गाइस यार मेरे को लास्ट में जो बाइक मिली है वो है ये वाली, ये देखो कितनी खतरनाक बाइक है। अब भाई
भाई साहब तुम्हारे भाई के पास इतनी सारी लग्जरी सुपर कार्स भी है और ये खतरनाक बाइक्स भी हो चुकी है, तुम्हारे भाई के पास इतनी सारी कलेक्शन हो चुके हैं और भाई बहुत सारा पैसा आ चुका है। और गाइस यार मेरे हिसाब से मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे समित भैया अब भी उड़ के जा रहे हो, घर नहीं जाना क्या, मुझे तो ले चलो। अच्छा सिंचन तू ही बोल रहा था तेरे को पूरे दिन झूलना है, तो झूलना तू पूरे दिन, मैं तो बाद में आता हूँ, शाम को आता हूँ तुझे लेने के लिए। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ गए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक ले सायोनारा।